सीन फोर, सभी फायरमैन शिव के फोरकैसल में गैदर हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो शिफ्ट थी वो पूरी हो चुकी है और अब वो रेस्ट करेंगे। और सभी ने यैंक को छोड़कर सभी ने जो है शॉवर ले लिया है, लेकिन यैंक अभी भी बिल्कुल कवर है वो पूरे कोयल से अभी भी वो कवर बैठा हुआ है और वो रोडिन की जो था थिंकर की पोजीशन है उस पोजीशन में वो बैठा हुआ है। सभी लोग यैंक को केयरफुली देखते हैं और वो सोचते हैं कि यैंक अभी कुछ बोलेगा क्योंकि यैंक का जो अभी अभी मिल्ड्रेड के साथ उसका जो एनकाउंटर हुआ है एक तरह से, तो वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। तभी उसे टीज करते हैं, कहते हैं कि तुम तो नहाना भी भूल गए हो, तुम चुपचाप बैठे हो। और वो ये भी कहते हैं कि जो डस्ट है ये तुम्हारी स्किन से नहीं उतरेगी, अगर तुम नहीं नहाओगे इससे तुम्हें इचिंग हो जाएगी और लियोपार्ड की तरह जो है तुम्हारे स्किन पर भी स्पॉट्स हो जाएंगे। लेकिन यैंक को गुस्सा आता है, वो उन्हें कहता है कि तुम चुप रहो, आई एम ट्राइंग टू थिंक। और तभी जो है सब लोग फिर से उसी के रिपीट करते हैं कि थिंक। यैंक बोलता है कि सोचने में क्या बुराई है, यैंक को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि क्या बुराई है अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी पैडी डिसाइड करता है फाइनली बोलने की कि मैं बोलूँगा, और वो यैंक से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिल्ड्रेड से प्यार हो गया है। और जितने भी वहाँ पर फायरमैन थे सभी बोलते हैं लव। फिर उसके बाद यैंक बोलता है कि नो, आई एम नॉट फॉल इन लव बट आई एम फॉलिंग इन हेट। पैडी बोलता है कि वो एक बहुत ही वाइज मैन है और वो लव और हेट के बीच डिफरेंस बता सकता है। और फिर पैडी कहता है कि मिल्ड्रेड को उसे प्यार करना चाहिए क्योंकि भाई इससे मतलब वो स्टॉकहोल्म में आ ही क्यों थी। लोंग कहता है, लोंग फिर खड़ा होता है और वो चिल्लाता है, वो कहता है कि मिल्ड्रेड ने और इंजीनियर्स ने हमारी जो है इंसल्ट की है। और लोंग ये भी कहता है कि मिल्ड्रेड को क्या अधिकार था कि वो आए और फायरमैन को देखे, वो तो हमें ऐसे देख रही थी जैसे कि जू में एनिमल्स को देखने लोग आते हैं। और लोंग यहाँ पर यह भी बताता है कि मिल्ड्रेड जो है वो एक मिलीनियर की बेटी है, एक ऐसे मिलीनियर की बेटी है जो कि इस वर्ल्ड का हाफ स्टील बनाता है और इसीलिए शायद वो इस स्टॉकहोल में आ पाई, यानी कि वो इस क्योंकि स्टॉकहोल में हर कोई नहीं जा पाता लेकिन मिल्ड्रेड जा पाई क्योंकि वो एक मिलीनियर की बेटी है। फिर लोंग कहता है कि हम लोगों को लॉ के पास जाना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए इस इंसल्ट के खिलाफ। यैंक कहता है कि हेलो। फिर मैन भी जो है जो जितने भी लोग हैं सब रिपीट करते हैं कि लो। फिर पैडी कहता है कि नहीं, हमें गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। और फिर यैंक चिल्लाता है हेल गवर्नमेंट्स, और अगेन जितने भी फायरमैन थे सब रिपीट करते हैं कि गवर्नमेंट्स। फिर लोंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो गॉड है वो सभी लोगों को इक्वली देखता है। और फिर यैंक कहता है गॉड, और सभी जो है फायरमैन रिपीट करते हैं कि गॉड। फिर यैंक दोबारा लोंग से कहता है कि तुम्हें तो सेल्वेशन आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लोंग टेबल से उतर जाता है और अब पैडी बोलता है, पैडी बताता है कि किस तरह इंजीनियर मिल्ड्रेड से बातें कर रहे थे और उन लोग हम लोगों की ओर जो है वो पॉइंटिंग कर रहे थे, जो लोग मतलब वहाँ पर काम कर रहे थे, जो हम वर्कर्स थे वो हमारी ओर इशारा कर रहे थे और वो ऐसे इशारा कर रहे थे जैसे कि सर्कस में जानवरों की ओर करते हैं। अब यैंक पैडी से बताता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मिल्ड्रेड कोई घोस्ट हो, कोई भूत हो। पैडी उसे कहता है कि मैंने उसकी आंखों में लविंग लुक देखा है, मानो उसने एक ग्रेट हेयरी ऐप देख लिया हो, एक ऐसा हेयरी ऐप जो कि जू से बचकर आ गया हो, जू से भागकर आ गया हो। अब यैंक जो है स्टक हो जाता है इस सोच से कि मिल्ड्रेड ने उसे हेयरी ऐप बुलाया है, यानी कि मिल्ड्रेड ने उसे हेयरी ऐप कहा है। और वो ये भी कहता है कि वो भी मिल्ड्रेड को देखकर वैसे ही शॉक हो गया था, वैसे ही डर गया था जैसे कि मिल्ड्रेड उसे देखकर डर गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि जो मिल्ड्रेड है वो एक घोस्ट है। और फिर वो ये भी कहता है कि ठीक है, जो कुछ होना था हो चुका और कोई भी अमाउंट है एक्सप्लेनेशन का, हम कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने वो इस इंसल्ट को नहीं ख़त्म कर सकते। फिर जो है यैंक रिवेंज लेना चाहता है, वो एक कसम खाता है कि वो मिल्ड्रेड से रिवेंज लेगा। और यैंक जो है उन लोगों को बताता है कि जो मिल्ड्रेड है वो इस शिप से बिलोंग नहीं करती बल्कि फायरमैन जो है वो बिलोंग करते हैं। और उसका गुस्सा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी मिल्ड्रेड से अपना रिवेंज लूँगा। वो जाने लगता है लेकिन जिससे पहले कि वो डोर तक पहुँचता दूसरे लोग उसे पकड़ लेते हैं। और फिर पैडी उसे शांत कराता है और उसे कहता है कि रिवेंज लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल एक फुलिशनेस होगी। और यहाँ पर जो है सीन फोर्थ भी ख़त्म हो जाता है। सीन फाइव स्टार्ट होता है 3 वीक्स लेटर। तीन
वीक जो है बीत चुके हैं और जो यंग और जो लॉन्ग है वो इस वक्त न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू में घूम रहे हैं। उनकी वॉइस फिनिश हो चुकी है, अब वो न्यूयॉर्क में है और जो लॉन्ग है वो यंग को न्यूयॉर्क में लेकर आया है, वो फिफ्थ एवेन्यू में आए हैं और वो लोग जो है वहाँ पर मिल्ड्रेड को ढूंढ रहे हैं। लॉन्ग जो है यंग को बताता है कि मिल्ड्रेड यहीं पर मिलेगी और यंग वहाँ पर घूम रहा है और यंग जब वहाँ के देखता है रोड इतनी साफ़ हैं, उसे विश्वास नहीं होता कि ये रोड इतनी साफ़ कैसे है, तो वो लॉन्ग से पूछता है कि ये रोड इतनी साफ़ कैसे हो सकती है, ये तो इतनी साफ़ है कि मैं तो यहाँ पर एक अंडा तोड़कर भी खा सकता हूँ। फिर उसे अजीब सा लगता है, कहता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, ये बिल्कुल साफ़ है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो वापस चलते हैं। लेकिन लॉन्ग कहता है कि नहीं रुको अभी हमें शायद मिल्ड्रेड मिल जाएगी। फिर यंग कहता है कि वाइट कॉलर वाले जो वर्कर है वो कब आएंगे, तो लोगों ने बताया कि वो चर्च में है और वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। फिर जो है यंग उसे बताता है लोगों को कि जब वह छोटा था तो वह भी एक बार चर्च में गया था, हालांकि उसके पेरेंट्स कभी भी चर्च में नहीं जाते थे, लेकिन वे यंग को वहाँ पर भेजना चाहते थे, वे यंग को वहाँ पर भेजते थे। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद यंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मिल्ड्रेड की तरह तो कोई भी जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रीट में नहीं दिखा रहा है, और वो लोग से कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यह बहुत ज़्यादा साफ़ है और फैंसी भी है और इससे मुझे पेन हो रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो है लॉन्ग फिर यंग को वो वाली इंसिडेंट याद दिलाता है जो उस मिल्ड्रेड के साथ हुई थी स्टॉकहोल में, और यंग को बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं जो है अपना रिवेंज लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। इसके बाद जो है चर्च से लोग आने लगते हैं, वो स्ट्रीट्स पर आने लगते हैं। लॉन्ग यंग को जो है शांत कराने की कोशिश करता है, क्योंकि यंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, लेकिन वो शांत नहीं होता और वो जो है लोगों के सामने जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो जो है सीधा लोगों के सामने जाता है, किसी के सामने जाकर कूद जाता है और सबको मतलब परेशान करने लगता है। लेकिन जो वो लोग थे जो चर्च से निकले थे, वो यंग की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि यंग है ही नहीं, और यंग को इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि जो पीपल है ये बिलोंग नहीं करते, केवल यंग ही जो है वो बिलोंग करता है। फिर यंग जो है स्काई क्रैपर को देखता है जो लंबी लंबी इमारतें बनी हुई है, और यंग कहता है कि मैं ये स्काई क्रैपर हूँ, मैं ही स्टील हूँ, मैं ही इंजन हूँ जिसने कि यह स्काई क्रैपर को जो है खड़ा किया हुआ है। और यंग कहता है कि लोगों से कि तुम तो डोल की तरह हो जो मेरी तरह नहीं हिल सकते, और तुम्हारे अंदर तो मेरी तरह पावर भी नहीं है। हालांकि कोई भी जो लोग है उसकी बातें नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी वह चिल्लाता रहता है। वह कहता है कि तुम लोग तो सब गार्बेज की तरह हो, जैसे फायरमैन जो है समुद्र में गार्बेज फेंकता है, ऐश फेंकता है, उसी तरह जो है तुम लोग हो। और वो लोगों के सामने जानबूझकर आता है जाके उनका रिएक्शन पा सके, हालांकि जो है पीपल उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर यंग जो है एक जेंटलमैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह जेंटलमैन अपने लिए एक बस बुला रहा था। यंग जो है उसको नॉक डाउन करता है, उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। यंग जो है उस व्यक्ति के फेस पर एक पंच भी मारता है, लेकिन जो वो जेंटलमैन था वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, और वो यंग से सिर्फ इतना कहता है कि तुमने मेरी बस छुड़वा दी, और इसीलिए जो है वो पास में खड़े एक पुलिस वाले को बुलाता है जो कि यंग को गिरफ्तार करके ले जाता है। और इसी तरह सीन 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सीन 6 स्टार्ट होता है ब्लैकवेल आइसलैंड की एक प्रिजन में। ब्लैकवेल आइलैंड में एक प्रिजन है, रात का समय है, क्योंकि यंग को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, तो यंग वहाँ पर रोडिन की द थिंकर वाले पोजीशन में बैठा हुआ है। और यंग का फेस जो है वो ब्रशेस से कवर्ड है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया है, और उसके जो माथे पर एक पट्टी बंधी हुई है। तभी एकदम उसे अचानक गुस्सा आता है, वो वॉयलेंट हो जाता है और वो जो केस था उसको हिलाने लगता है और चिल्लाता है, स्टील, क्या यह एक जू है? तभी जो अदर जो लोग बैठे हुए थे उसके सेल में, उन सब के हंसने की आवाज़ आती है और वो बताता है। फिर यंग जो है उसको देखता है, तभी वो लोग बताते हैं कि जो जेल है एक ओल्ड आयरन हाउस है। तभी यंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगा मैं जू में हूँ। तभी वो लोग बताते हैं कि हाँ, तुम एक केज में ही हो लेकिन जू में नहीं हो। फिर वे लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। यंग अपनी स्टोरी बताने लगता है, वो बताता है कि वह एक फायरमैन था, लेकिन अचानक उसे बहुत तेज जो है गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं तो एक हैरी ऐप हूँ, मैं एक हैरी ऐप हूँ, और वो बार को हिलाने लगता है। यंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुमने मेरा मजाक बनाया तो मैं तुम लोगों को चोट पहुँचा दूंगा। और फिर वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी सब ऐप हो? जो वहाँ पर लोग बैठे थे वो यंग से कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना यहाँ पर गार्ड आ जाएगा। यंग उन्हें कहता है कि गार्ड नहीं, जू कीपर आ जाएगा।
फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद यैंक शांत हो जाता है और उसके बाद वह उन लोगों से बताता है कि वह जेल में क्यों आया। यैंक मिल्डर्ड के बारे में भी बताता है और स्टॉकहोल्म में जो उसके साथ हुआ था वो भी बताता है। वो ये बताता है कि मुझे तो लगा कि मिल्डर्ड एक घोस्ट है। उसके बाद वे लोग मिल्डर्ड के बारे में पूछते हैं, मिल्डर्ड का जो नाम पूछते हैं कि क्या नाम था, तो यैंक उन्हें उसे उसका सरनेम बता देता है जो लास्ट नेम उसका था। तब वे लोग उसे बताते हैं कि तो फिर वो तो जो है डगलस की डॉटर थी, डगलस जो कि स्टील ट्रस्ट का प्रेसिडेंट है। और उसके बाद एक व्यक्ति यैंक से बताता है कि ये जो स्टील है, जो वर्ल्ड का जो हाफ स्टील है, वो उसी की कंपनी बनाती है। इनफैक्ट जिस जेल में तुम बंद हो इसकी जो ये स्टील है ये भी उन्हीं की कंपनी ने बनाया हुआ है। यैंक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। यैंक को लगता है कि मैं कि जो वो सोचा था कि वह स्टील है, वह जिस स्टील से बिलोंग करता है, क्या वह स्टील उसके फादर ने बनाया है। यैंक अपने केज को हिलाने लगता है और कहता है कि मिल्डर्ड के फादर ने इस केज को बनाया है, लेकिन मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और वो बार्स को बहुत तेज से जो है हिलाने लगता है। तभी गार्ड वहाँ पर आ जाता है, वो यैंक के ऊपर पानी की जो है बौछार करता है और दूसरे गार्ड को बैकअप के लिए बुला लेता है। और यहाँ पर जो है सीन 6 भी फिनिश हो जाता है। 7 एक महीना बीत चुका है और यैंक जो है फाइनली प्रिजन से रिलीज हो चुका है। अब फिलहाल जो है यैंक एक इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफिस, इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफिस यानी कि IWW के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। अंदर देखता है कि एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है जो एक लार्ज लेजर पर एंट्रीज कर रहा है। यैंक डोर को नॉक करता है और को ऐसे दिखाता है कि मानो एक सीक्रेट क्लब में एंटर कर रहा हो। जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वह दोबारा नॉक करता है। सेक्रेटरी चिल्लाते हुए कहता है कि वह अंदर आ सकता है। जब वह अंदर आता है तो वे जो लोग अंदर बैठे हुए थे वो यैंक को सस्पिशियसली देखते हैं। यैंक सेक्रेटरी से कहता है कि मैं भी IWW ज्वाइन करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी यह सुनकर खुश हो जाता है कि यैंक जो है एक फायरमैन है, और क्योंकि जो ज़्यादा फायरमैन है वो ज्वाइन नहीं करते, तो इसीलिए वो यैंक से कहता है कि ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो। और वो यैंक का जो है एक सर्टिफिकेट बनाकर देता है, एक मेंबरशिप कार्ड जो है उसको बनाकर देता है, और उसका रियल नेम लिखता है बॉब स्मिथ। तो यानी कि जो यैंक का रियल नेम था वो बॉब स्मिथ था। और वो यैंक से कहता है कि तुम्हें मेंबरशिप के लिए $0.50 कॉस्ट जो है लगेगी। और यैंक को इस बात से बहुत ही सरप्राइज होता है कि कितना आसान है IWW ज्वाइन करना, और वो उसको चेंज दे देता है, यानी कि उसको $0.50 दे देता है। उसके बाद जो है सेक्रेटरी यैंक से कहता है कि तुम कुछ लिटरेचर देख लो जो टेबल पर पड़े हैं, और जो सिप पर लोग हैं उससे बातें कर लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि IWW में क्या काम करना है। उसके बाद सेक्रेटरी यैंक से पूछता है कि तुमने नॉक क्यों किया था। यैंक ने कहा था कि मैं जानना चाहता था कि क्या अंदर आना सेफ है। तो सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ हाँ IWW बिल्कुल सेफ है, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो लॉ के अगेंस्ट हो। यैंक इस बात पर हल्का सा विंक कर दे। इसके बाद जो है यैंक बता देता है, यैंक डिस्क्लोज कर देता है कि वो तो स्टील ट्रस्ट को ब्लो अप करने आया है, वो स्टील ट्रस्ट को जो है उड़ाना चाहता है। और मिल्डर्ड को एक लेटर भेजेगा उसके बाद जिस पर वो साइन करेगा द हेयरी एप। सेक्रेटरी यह सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, और वो लोग जो उसके पास जो लोग खड़े थे जो उसके पास और सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्हें कहता है कि यैंक को चेक करो कहीं कोई वेपन तो नहीं ले रहा है। और सेक्रेटरी जो है यैंक को बाहर फिकवा देता है, बाहर गली में जो है यैंक को फिकवा देता है। यैंक बाहर सड़क पर बैठा हुआ है रोडिन की द थिंकर वाली पोजीशन में ही, और वो सोच रहा है कि मुझे तो लगता था कि वह इस वर्ल्ड को ऑन करता है, लेकिन अब जो है स्टील ही उसको ऑन करती है, स्टील ही उसकी जो है एक तरह से मास्टर बनी हुई है। फिर यैंक जो है आंसर्स के लिए मून की तरफ देखता है, तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है। वो यैंक से कहता है कि यहाँ से जाओ, लेकिन यैंक उससे पूछता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो पुलिसमैन उसे गुस्से में कहता है कि टू हेल। सीन 7 यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अब इस प्ले का लास्ट सीन, सबसे आखिरी सीन, सीन 8 अगले दिन की सुबह है। यैंक जो है एक जू में मंकी हाउस के बाहर बैठा हुआ है। अंदर एक ऐप जो है बैठा हुआ है रोडिन की द थिंकर वाले पोजीशन में। यैंक उस गोरिल्ला से उस ऐप से बातें कर रहा है और उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग आर्म है, चेस्ट है। यैंक को गोरिल्ला से सिंपथाइज होती है। वो कहता है कि तुम भी मेरी तरह ही हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। वो यह ऐप से जो है फ्रेंडशिप करना चाहता है। वो ऐप से कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों ही पिंजरे में बंद हैं, हम दोनों को टॉन्ट किया जाता है। यैंक सोचते हैं कि मैं और तुम, यानी कि यैंक और जो ऐप है वो एक सेम क्लब से हैं, बिलोंग करते हैं, और वो दोनों भाई भाई हैं। इसीलिए जो है यैंक गोरिल्ला को उसके प्रिजन से, उसके केस से रिलीज कर देता है और ऐप की ओर हाथ आगे हाथ मिलाने के लिए, मतलब अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी जो है गोरिल्ला यैंक के ऊपर कूदता है और यैंक को अपने हाथों में दबा लेता है और यैंक को अपने पिंजरे में ले जाता है।
यंग गोरिल्ला के हाथों में ही मर जाता है। और इसी तरह सीन 8 फिनिश होता है और ये ड्रामा भी फिनिश होता है।